एमपी तक एमपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। मंच सजा हुआ था, मैदान में सैकड़ों की संख्या में कॉलेज के छात्र बैठे थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय पुशअप कर रहे थे, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 59। और इस पुशअप के दौरान गिनती कर रहे थे बीजेपी नेता गौरव रणदिवे। दरअसल इंदौर के कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ छात्रों ने नेताओं से पुशअप लगाने की मांग कर दी। फिर क्या था, सियासी अखाड़े में विरोधियों को चित करने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने पुशअप करने शुरू कर दिए। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया और आगे बढ़ने की सीख दी। न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री ने दुनिया को अपने देश को नियंत्रित करके करके दिखाया है, ये युवा की ताकत होती है। युवा बहुत शक्तिशाली होता है। हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, देखा नहीं सुना है। हमने बहुत सारे क्रांतिकारियों को, इस देश को यदि स्वतंत्रता मिली है तो युवाओं की बलिदान से। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता कि हमें अहिंसक स्वतंत्रता मिली। इस देश के स्वतंत्रता में बहुत सारे नौजवानों का बलिदान है। ये जिस मिट्टी पे हम बैठे हैं उस मिट्टी को स्वतंत्र कराने में बहुत सारे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना रक्त दिया है, अपना खून दिया है, तभी हमें आज़ादी मिली। और इसलिए इस आजादी का बड़ा महत्व है, ये स्वतंत्रता को बनाए रखने का बड़ा महत्व है और इसकी जवाबदारी युवाओं की, क्योंकि युवा का उल्टा क्या होता है युवा का उल्टा वायु। कहीं कभी पेट में आ जाती है ना तो पड़ोसी को पता लग जाता है कि इधर वायु पहुंच गई। वायु का ऐसा काम है, वायु अगर थोड़ी सी तेज हो गई तो बबंडर बन जाती है। मैं देखा होगा आपने बबंडर, है ना, बबंडर बन जाती है। वायु अगर और तेज हो जाती है तो सुनामी बन जाती है, तूफान आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, हैं? तूफान आ जाता है। और तूफान आता है तो क्या करता है, ध्वस्त कर देता है, वह नकारात्मक दिशा में चला जाता है। यदि युवा नकारात्मक दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम गलत। इससे पहले इस कॉलेज में छात्रों ने कई प्रस्तुतियां भी दी, कई छात्राओं को कैलाश विजयवर्गीय ने सम्मानित भी किया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का ये अंदाज अब वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।